So guys, for today's agenda, what we have, let's see, in the list, we have first combination of resistances, okay? Combination of resistances. And then also we'll be understanding about what you call a cell. देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, हाय भुजी, तो हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन करूंगा. लाइक आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, जैसे थेलमिन थ्योरम होती है, नॉर्टन थ्योरम होती है, ठीक है, उसके अलावा स्टार डेल्टा फॉर्मेशन वाली चीजें आती हैं, ट्राइंगल्स बनते हैं, फिर सिमेट्री बनती है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इस तरीके से क्या है हम लोग पढ़ाते हैं, बट वो बहुत ज्यादा डीप लेवल है, काफी ज्यादा डेप्थ एनालिसिस हो जाता है, और वो भी बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी एक आध कोई क्वेश्चन आता है. बिकॉज ऑल इन ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ केसीएल केबीएल एंड बेसिक कॉम्बिनेशन लॉस. पहले वो चीज समझ लेंगे, देन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं अच्छे क्वेश्चंस ही डालूंगा उसमें, ठीक है, तो वो उसके थ्रू समझ लेंगे. सो ऐसा मेरा प्लान है, बट अभी तुम लोग अगर बोलोगे कि नहीं वो चीजें पढ़नी है, एक सेपरेट क्लास ले लो सर, तो अपन वो भी ले लेंगे, ऐसा कुछ बनेंगे, ठीक है. So, आज का ऑल इन ऑल वी हैव दिस एजेंडा एंड लाइन अप टुडे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल. हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है ना, स्क्रीन नहीं दिख रही है तुम लोग को? दिख रही है सर, दिख रही है. यस सर, दिख सबको. यस सर, यस सर. एक्चुअली मेरे को ही नहीं दिख रही है, अभी मैंने नोटिस कर लिया. ठीक है, चलो एक बार जल्दी से एक रिवीजन ले लेते हैं अपन, क्विक रिवीजन. अगेन इन दिस क्विक रिवीजन आई वोंट बी आस्किंग यू द थिंग्स जो बेसिक सबको पता है. सो V इक्वल्स टू IR सबको पता है, इक्वल्स टू V बाय R सबको पता है ना, R इक्वल्स टू V बाय I, ये सब चीजें सबको पता है. जो चीजें नहीं पता है वो जरा जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो लाइनअप में इसमें सबसे पहले जो कुछ चीजें आती हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, क्योंकि उसका फॉर्मूला तुमको भूल रहे थे बार बार. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में जो पढ़ा था, रो इक्वल्स टू, याद है किसी को? आर ए बाय एल, वो तो सबको आता है, सही बोल वाला नहीं, एम इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, ये वाला फॉर्मूला. इफ आई विल बी आस्किंग यू व्हाट इज एम हियर, क्या था एम, मास ऑफ क्या? हाय सुमन, व्हाट वाज एम, बोलो जल्दी जल्दी, तुम लोग बोलो, तुम लोग को बोलना है ना, मेरे को आता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या था, टाउ है, दिस इज टाउ नॉट जे. टाउ क्या था भाई, व्हाट वाज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, वेरी वेल. रिलैक्सेशन टाइम. E क्या था, ये तो सबको पता है, एलिमेंट्री चार्ज है ना, यस सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्री चार्ज. N क्या था भाई, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज डेंसिटी, सब बोल दो, है ना, करोड़पति चल रहा है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो, 16 पर्ची खेल रहे हैं हम लोग. तो क्या था N, कम ऑन गाइस, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया साहिबा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यस सर, पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हो, डेंसिटी भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहिबा, मैं नहीं बोल रहा तुम गलत हो, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद है ना सबको, चीज भूले तो नहीं हो, इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज थी तुम भूल रहे थे, मैं बाकी बेसिक फॉर्मूले तो देखो तुमको सब आते हैं. हाँ, मोबिलिटी वाला टर्म था एक नया, वो बताया था मोबिलिटी क्या होता है, ये सब मतलब ऐसी चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो तुम लोग जनरली नहीं पढ़ते हो फिर या क्वेश्चंस कम आते हैं. मोबिलिटी न्यू से डिनोट करते हैं, क्या था मोबिलिटी, व्हाट वाज मोबिलिटी, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था तुम्हारे सर ने? हाँ हाँ हाँ, क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर रहा है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने में, दैट इज द क्वांटिटी व्हाट यू कॉल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये बात हुई थी.
अच्छा उसके बाद पावर एनर्जी मैंने एक्सप्लेन तो किया था, बट वो पावर और एनर्जी में एक टर्म आता है, वो भी शायद याद दिला देता हूँ मैं, किलोवाट आर। क्या होता है 1 किलोवाट आर? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बताओ, पावर है या ये एनर्जी है? 1 किलोवाट आर धीरज, पावर है पावर है एनर्जी है? एनर्जी एनर्जी है। पावर इतने बोला था, किसने बोला पावर? पावर और नहीं बोलो भाई, एनर्जी है। एनर्जी कैसे है ये, कितनी एनर्जी है ये, हाउ मच एनर्जी इज इट? सर, जब किसी भी अप्लायंस को हम 1 किलो वाट की पावर है उसकी और 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो एनर्जी 1 किलो वाट पर आवर होती है, 1 किलो हाँ, आवर 1 किलोवाट आर होती है। मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट आर को, एनी गेस किसी को? क्या लिख के भेजा धीरज ने? ठीक है, 1 किलोवाट आर में लिख देता हूँ, साइबर ने बोला। सो इफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट ऑफ पावर इज कंज्यूम फॉर 1 आवर, है ना, कंज्यूम फॉर 1 आवर, तो अपन ने इसको बोला था 1 किलोवाट। अच्छा इसका किसी को याद है क्या, कन्वर्जन याद है इसको किसी को? कैसे आया 3.6 × 10⁶, कैसे आया ये कन्वर्जन, किसी को आइडिया? अरे इजी है, 1 किलोवाट में देखो, 1 किलोवाट आर तुमको अगर लिखना है तो किलोवाट मतलब क्या हो गया, किलोवाट मीन्स वॉट, 10³ जूल्स? 10⁻ किलोवाट मतलब क्या, 10³ जूल्स? यस और नो? थ्री यस जूल्स ऐसे देखो, 3 जूल्स पर सेकेंड, ये हो गया किलोवाट, है ना। एंड व्हाट इज दिस आर, इफ यू कन्वर्ट आर इनटू मिनट्स इनटू सेकेंड, देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, 3,618। सो दिस इज 3,600 सेकेंड्स। सो ऑल इन ऑल इफ यू विल कन्वर्ट इट, व्हाट यू विल बी गेटिंग, 3.6 × 10⁶, 3, 3, 6, 6 जूल्स। सो यू कैन लर्न इट इन दिस वे, ऐसा नहीं है कि ये याद ही करके रखना है, तुम 2 सेकेंड नहीं लगेगा पेपर में, अगर भूल भी जाते हो यू कैन जस्ट रिवाइज इट, है ना। सो पता होना चाहिए बस कहाँ से आया, माइक फिजिक्स यूटी ऑफ चैप्टर 4, 5, 6, आई नीड टू रिवाइज, श्योर अनामिका, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट, फाइन। अच्छा अपार्ट फ्रॉम 1 किलोवाट आर एक और यूनिट है, बता चुका हूँ वैसे मैं, बट जस्ट इन केस मेरे को अभी याद आ गई है तो मैं लिख देता हूँ, वैसे इस चैप्टर की तो नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज वर्क इलेक्ट्रॉन वोल्ट? देखो इसको अपन बहुत पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर अ फिजिसिस्ट एज वेल एज दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गो फॉर मतलब एमएससी और लाइक एमटेक काइंड ऑफ फील्ड विद रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो ये क्या होती है 1.6 × 10⁴, होता क्या है इसका, इसको मीनिंग क्या, लिखते क्या है इसको अपन, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दिस, समझते क्या है इससे? कोई नहीं बोलेगा, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। थोड़ा सा तो चल उल्टा सीधा लिख दिया मैंने, वर्क डन है ऑफ एन सर, वैसे ये तो एटम न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे ना? या यू विल अंडरस्टैंड इट इन द एटम न्यूक्लियर, एटम न्यूक्लियर से पहले पढ़ लोगे फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बट यहाँ पर भी याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रेफरेंस टू व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट्स अ वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स के, ठीक है, बोलो ठीक है? Yes, sir. है ना, बस ये बेसिक बेसिक चीजें थी, बाकी सब तुम्हें आते हैं, V equals to IR, NAVD, J is NAVD, these all things you know. कहाँ माइनस कहाँ प्लस एवरीथिंग यू नो। हाँ वन मोर थिंग, एक चीज और याद रखना, एक चीज मैंने बताई थी तुम्हें, कई बार आता है तुमसे इस तरीके से आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ऐसा कुछ आता है एग्जाम में, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ याद है किसी को? मैंने बताया था शायद, नहीं बताया था क्या? बताया था सर, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हाउ वी डिनोट इट, इट्स एक्चुअली द इट सिंपली सेज दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट,
रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करेंट डेंसिटी, यस ये याद रखना। ओके सर, हाँ जे इक्वल्स टू ई है ना। तो ऑल इन ऑल जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि जो भी ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट प्लेज द एग्जैक्ट सेम रोल व्हाट रेजिस्टेंस इज प्लेइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड द एग्जैक्ट सेम रोल व्हाट पोटेंशियल विल प्ले, एंड जे इज द व्हाट करंट रोल विल प्ले। सो ये बस बेसिक चीजें थी इतनी। अब अपनी बेसिक आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अगेन सिंपल क्लास, तुम सबको पता है वो चीज, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है ना। सर एक सेकंड बैक स्लाइड करना इसका यार, उन्होंने भेज तो देता हूँ भाई, तो फिर भी ऐसे करता है, क्यों करता है बेटा? ओके सर, देख लिया चल। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में अगेन यू वेरी वेल नो दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है, सीरीज ले लेते हैं अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन वैसे तो नहीं करानी चाहिए बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिलेबस करा देता हूँ मैं पूरी। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तुम कुछ रेजिस्टेंस लेते हो, अच्छा ऐसे रेजिस्टेंस बनाते हैं तो पता है ना तुमको, सिंबल्स पता है, मैंने सिंबल्स की एक क्लास नहीं ली है। ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल किसका होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। हाँ रियोस्टेट बोलो या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो चलेगा सब, ठीक है। ये किसका होता है, स्विच, ओपन की, स्विच की का होता है, की का होता है, स्विच का ऐसा होता है। वैसे तो आता नहीं है बट जस्ट इन केस कभी पूछ लिया मैचिंग वगैरह में या किसी भी तरीके से, नो ये स्विच का है। स्विच ही बोला था मैंने। ओके ओके है ना, ये है कुछ साइंस और बाकी तो तुम्हें पता होंगे ना, ये किसका है तो अपन पढ़ेंगे भी अभी। ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये वाला अल्टरनेट करंट, हाँ एसी सप्लाई को बताता है, एसी सप्लाई, या एसी सप्लाई, बाकी तुम्हें पता है ये तो मैं बार बार बना ही रहा हूँ। सेल ये क्या है ना, ये सेल, ये है बैटरी, दूसरा वाला बड़ा वाला बैटरी है ना, दिस इज द सेल, दिस इज द बैटरी। चलो ये बेसिक चीजें हैं, यू नो दिस वेरी वेल, मेरे को लगा था एक बार बता देता हूँ, ऐसे पता है तुमको। ठीक है ठीक है ठीक है, इंडक्टर का भी होता है ना, इंडक्टर का पता है किसी को, पढ़ेंगे वैसे तो भी, वो कॉइल बनाते हैं ना, ऐसे कॉइल बना देता है इंडक्टर पे। ठीक है पता है तुमको बेसिक चीजें। सो लेट कनेक्ट सम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, so let's say we have n resistance in series, चलो मैंने कुछ n resistance series में लगाया, मान लो ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये rn है, ठीक है, like this। अच्छा एक एक क्वेश्चन आता है, हाँ एक थ्योरी क्वेश्चन है, it's a kind of a theory question but you should know कि whenever you are proving the combination of resistances root, इंडक्टर आज तो उसको भी पढ़ाऊंगा मैं अभी आगे, अपन जब मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे ना तब उसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, मत परेशान हो। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें जो सीरीज की प्रूविंग होती है, तुम्हें अगर मैं ऐसा तुमसे पूछूं कि तुम किस बेस किससे करते हो, कौन सा लॉ लगाते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर तुम लगाते हो कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दो में से कौन सा रूल पर्टिकुलर इसमें लगता है? वैसे तो दोनों ही लगते हैं बट जो फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे वो कौन सी के लगा के लिखोगे, देखो कीप इन माइंड एनी पहली क्वेश्चन जो लिखेंगे अपन एनर्जी के बेस पे लिखेंगे। देखो मैंने जानबूझ के पूछा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको लोग कनेक्ट करना भूल जाते हैं कि यार जो भी अपन पढ़ के आए अब तक, एवरीथिंग व्हाट यू आर लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ दैट स्टडी ओनली, कुछ तुम नया नहीं पढ़ रहे हो, तुम वो भी फिजिक्स पढ़ के आओ, ये भी तुम फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, तो ऑल द प्रूविंग दैट यू विल गोना डू मोस्ट ऑफ देम somehow related to the energy conservation of charge, conservation of mass, conservation of energy, इस पे पूरी physics टिकी है, इसी पे खत्म है, इसी पे चालू है, that's it, conservation of charge, conservation of mass, conservation of energy, तो अभी इसको proving करनी है अपने को, तो अपने को कहाँ से इसका initiation लेना है, from the conservation of energy से, अभी conservation of energy से कैसा initiation लेना है वो समझो। अच्छा अभी कुछ देर के लिए इसको मत देखना, मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ कहीं पे, don't see this, तुम्हें इससे मतलब है तुम इसको देखो,
ठीक है, इसको मत देखो, इसको उधर रख देते हैं अपन, मेन अपना कंसंट्रेशन इस पे, अभी इस पे ध्यान देते हैं। चलो, तो ये मैंने कुछ सर्किट लिया है, इस सर्किट में ये दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसके बीच में तुम्हें नेट पोटेंशियल दिया गया है, मैं लिख देता हूँ उधर, तुम्हें जो वी ए माइनस वी बी दिया गया है वो लेट्स से तुम्हें दिया गया है वी, ठीक है, यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस। सो अभी इसको प्रूव करने के लिए अगर तुम लिखोगे तो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट, सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, दोनों ही लगाएंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलेगा हमसे कि जो भी करंट I1 में होगा, जो भी करंट I2 में होगा, जो भी करंट I3 में होगा, जो भी करंट सब में होगा, वही मेन करंट I होगा, है ना, दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल से, यही बोलेगा। यस सर, मैं कर सेम चीज रहा हूँ बट उसको बोल थोड़े नए वर्ड्स में ना हो, जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ नया पढ़ रहे हो, अदरवाइज तुम खुद भी बोर हो जाओगे, मैं भी पढ़ा पढ़ा भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है। ये हो गई पहली इक्वेशन, बट ये अभी हेल्पफुल नहीं है, अब हमको दूसरी इक्वेशन लिखनी है एनर्जी कंजर्वेशन वाली। तो एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन क्या बोलती है हमसे, जो भी नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन के बराबर होगा, यही बोलती है दूसरी कंजर्वेशन इक्वेशन। अच्छा, हाउ दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तुमको पता है कि यहाँ से यू नो इट वेरी वेल कि तुम्हें यहाँ से यहाँ के बीच में वी का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, मतलब दिस मीन्स कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन थे, इफ यू आर अ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से तुम एक एनर्जी कैरी करके आ रहे थे अपने पास, यहाँ पे तुम अपने पास एक एनर्जी कैरी किए हुए थे और इन सब ने तुम्हें मार के तुमसे सारी एनर्जी ले ली है, यू आर लेफ्ट विद जीरो एनर्जी। तो यहाँ का पोटेंशियल वी है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल था वी, जैसे जैसे उसने इस ईयर को गो थ्रू किया है वैसे वैसे उसका पोटेंशियल जीरो होता गया। मेरे टीचर थे, पता है, दे यूज्ड टू गिव अस एग्जांपल ऑफ कि व्हेनेवर यू विल जॉइन योर कॉलेज, तुम लोग अभी कॉलेज ज्वाइन करोगे, एक्चुअली कॉलेज में मेरे टीचर एग्जांपल देते थे ये कि तुम लोग इतने अभी लाइक सबसे ज्यादा रिग्रेस सिलेक्शन पैटर्न जो चलता है ना किसी कंट्री में वो इंडिया में, चाइना में भी उतना नहीं है जितना भी इंडिया में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, हमारे जेई एडवांस के और नीट के लेवल्स उतने ज्यादा हाई हैं जितने कैम्ब्रिज वगैरह के भी बिल्कुल नहीं, सो वी आर गिविंग दैट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी दैट वी आर हैविंग इन इंडिया। सो तुम अभी जब इस चीज को जब क्रॉस करके जाओगे तो तुम एक काफी हाई पोटेंशियल स्टूडेंट कहलाओगे, बट जैसे जैसे तुम उस हाई पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन की तरीके जैसे जैसे तुम अपने चार साल या पांच साल के अपने ग्रेजुएशन से गो थ्रू करोगे, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज करने वाला है, स्पेशली इंजीनियर्स के साथ ही होगा, जब उनका जो भी हाई पोटेंशियल है ना वो हाई पोटेंशियल उनका धीरे 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 लूज ऑन होगा। तो इसको ऐसे याद रखना, तो इट्स द एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से लिखते हो मेन इक्वेशन दैट वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन, है ना। आर वन ने जितनी एनर्जी ली, आर टू ने जितनी एनर्जी ली, आर थ्री ने जितनी एनर्जी ली, आर एन ने जितनी एनर्जी ली, दैट इज द टोटल एनर्जी जो पूरे सर्किट ने ली, क्लियर है बात। मिसबा इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, तुमने एंट्रोपी पढ़ी होगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, ऐशिका क्या लिख सकता हूँ मैं ओम्स लॉ की हेल्प से, इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट आई वन सॉरी आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री अप टू आई आर, ठीक है। ऐसे इवन एग्जाम्स में भी तुम ऐसे याद रखना तो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा, बच्चे क्या कई बार कंफ्यूज आते हैं कहाँ से स्टार्ट करें तू भी। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, दोनों का यूज करना है। यू कैन कैंसिल आउट आई हेयर, अच्छा आई क्यों कंजर्व था, आई इसलिए कंजर्व था क्योंकि जितना चार्ज एंटर करेगा पर सेकेंड उतना निकलेगा पर सेकेंड, अगर कहीं सोर्स और सिंक नहीं है बीच में तो, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट योर ब्यूटीफुल फॉर्मूला फॉर द आर इक्विवेलेंट व्हिच इज नथिंग बट R1 plus R2 plus R3 up to Rn, ठीक है। पता है तुम लोग को ये सब चीजें, है ना, नॉलेज छोपन टू द न्यू नॉट द न्यू थिंग द सेम थिंग, ठीक है। अब पैरेलल का भी देख लेते हैं जल्दी से, पैरेलल चलो सो पैरेलल का देखते हैं, पैरेलल में क्या करना है, वी जस्ट हैव टू अटैच द सेम रजिस्टर्स इन अ पैरेलल वे। अच्छा क्लियर है ना ये सबको, मैंने हटा दिया जल्दी जल्दी में, ऐसा तो नहीं लग रहा भाग रहा हूँ, सबको क्लियर है ना, नो सर क्लियर है ना, बिकॉज़ बेसिक चीजें हैं, टेंथ में इलेवन में देख के आए हो, इलेवन में नहीं सॉरी टेंथ में, यू मस्ट हैव फॉरवर्ड दैट इन दिस। चलो लेट्स अटैच सम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, so here we have one resistance, क्या लिखते हैं,
So like this you have, let's say, L resistances. Huh? So R1, R2, same thing, R3 up to Rn. And the ends are kept at a equal put at the same potential difference actually, A and B. Okay. Kya karenge yahan pe? Again, we'll apply the same energy conservation and charge conservation. Nothing new. We'll apply the same energy and charge conservation. So what energy conservation says? Energy conservation kya bolti hai bhai? Is case mein energy conservation kya bolti hai? Batao koi. Kya main likh sakta hu? Energy conservation. याद करी हुई चीज नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहा हूँ ना मैं, सॉरी सर, मेरे को याद करी हुई चीज बिल्कुल नहीं, बताओ प्लीज। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेगी इस केस में? v1 is equal to v2 is equal to v3 is equal to v, मतलब सब इक्वल होंगे ना सर? सब इक्वल होंगे। अब एवरीवन पुट योर हेड्स एंड ट्राई टू लॉजिकली आंसर मी, सब इक्वल क्यों होंगे? बिल्कुल होंगे, मिसबा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी वेल मिसबा। सोचो सब लोग, बताओ जल्दी से, कम ऑन। देखो बाकी चीजें तुम्हें आती है यार, अभी जो नहीं आता है वो चीज बताओ जल्दी सोच के, क्योंकि सर सबका कॉमन पॉइंट है ए और बी। सबका कॉमन पॉइंट है ए से बी में, जितनी एनर्जी आर वन लूज करा रहा है उतनी आर टू लूज करा रहा है, उतनी आर थ्री लूज करा रहा है, उतनी आर फोर। हाँ, एवरी वन, एवरी रजिस्टर इज लूजिंग सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है? ओके, बिकॉज द पोटेंशियल्स आर सेम, दैट इज ऑल्सो वाइन, दैट इज अ रियल रीजन, बट ट्राई टू कनेक्ट इट विद द एनर्जी थिंग, ठीक है? चलो ये सबको पता है। अच्छा दूसरा तुम लगाओगे चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलेगा? जितना करेंट इसमें एंटर किया है उतना निकलेगा, अभी सेम निकलेगा, तो जितना भी डिविजन हुआ होगा चार्जेस का वो सब एंड में सेम हो जाना है, यस और नो? तो इफ यू हैव द मल्टीपल पाइप, उसमें अगर एंटर कर रहे हैं ढेर सारे सब अलग अलग रूम में, तो निकलेंगे भी सब बाहर। तो अगेन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे अपन चार्ज कंजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं टू आई एन, ठीक है ना? अगेन बेसिक मैथ्स, ओम्स लॉ से क्या लिख सकता हूँ इसका मैं, बता फिर से इसका, व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम ओम्स लॉ, बता दो। अच्छा भाई कोई और बता दो, वो नहीं बता रही। तो I equal to V by R. ठीक है, V by R equivalent. Let's write V by R equivalent. So it's V by R1 plus V by R2, R2 plus V plus by R3. V by R3. ना सिंपल चीज है. V by V by Rn. ठीक है. By Rn. फिर क्या करो? V से V से V से V से V उड़ा दो. And you are left with 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on 1 by Rn. वेरी वेल मनोज, चलो मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ नोट टू, जस्ट अ नोट फॉर दैट यू कैन रिकॉल द कैपेसिटर थिंग, तो कैपेसिटर थिंग जल्दी से याद कर लो, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एज ए नोट, याद रखना नोट। कैपेसिटर में क्या होता है इसका? जस्ट अपोजिट। वेरी वेल, इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर रेजिस्टेंस वो खुद ही है, ठीक है? अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, सेम फॉर्मूला तुम और भी कहीं यूज करते हो? बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे तुम खाली 12th पढ़ के जा रहे हो तो तुम्हारा नीट में भी खाली 12th का आना है, दे विल गिव यू 11th हाँ, स्प्रिंग में भी यूज करते हैं, तो स्प्रिंग में धीरज कैसा रहता है? सेम रहता है, ऑपोजिट रहता है, कैपेसिटेंस वाला रूल रहता है या फिर रेजिस्टेंस वाला रूल रहता है? याद रखना स्प्रिंग में कौन सा वाला रूल रहता है? नहीं नहीं नहीं, कौन सा रहता है स्प्रिंग में? किसी को याद नहीं है? मैं लिख देता हूँ इधर, ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो पढ़ो, बट पुराना भी एट द सेम टाइम याद करते रहो यार। जैसे तुम्हारे पास दो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग किसमें है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। तो ये स्प्रिंग में भी याद रखना, स्प्रिंग भी कैसी होती है? सेम एज कैपेसिटर, सेम एज
कैपेसिटर सेम है कैपेसिटर, क्योंकि दो स्प्रिंग तुमने पैरेलल ली हुई है, तुम्हें खींचने में ज्यादा पावर लगेगी या तुम दो सीरीज में लेके खींचोगे तब ज्यादा मेहनत लगेगी? ऑब्वियसली जब पैरेलल ली है तब तुम्हें ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, इसका मतलब पैरेलल में यू आर एडिंग देम। अच्छा क्या ऐड करते हैं वो भी लिख ही देता हूँ, किसी को पता है ऐड क्या करते हैं? मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया है, व्हाट वी ऐड, अगर इसकी स्टिफनेस K1 है, इसकी स्टिफनेस K2 है, स्टिफनेस फोर्स नहीं, तो K हम लिखते हैं K=K1+K2, ठीक है? ऑल द थिंग्स आर सेम, जो भी तुम फिजिक्स में पढ़ो सब सेम है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, हाँ ठीक है, स्टिफनेस स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मल्टीपल नेम्स, क्लियर है ना ये सब चीजें? इसका क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, अच्छा हाँ डू दिस क्वेश्चन पर, एक ही क्वेश्चन करो पहले फिर दूसरा पूछता हूँ। कौन है जिसको ये क्वेश्चन नहीं, देखो मैंने इजी जानबूझ के नहीं रखा, बिकॉज आई नो यू गाइस, सो यू आर ऑलरेडी एबल टू डू द सिंपल थिंग्स, कि दो रेजिस्टेंस दे दूंगा तुम उसको ऐड करके बता दो, सो लेट्स ओपन टू सम गुड क्वेश्चंस देन, करो इसके ऊपर सेल्स भी करना है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो 100 करना है मुझसे पूछना है ना। ठीक है, टू ऑफ देम ऑलरेडी गिवन द आंसर, वेरी वेल अश्विन धीरज, उन लोग को पता होगा आंसर, मैं बता रहा हूँ पहले से, क्योंकि इसमें आधे क्वेश्चंस तो सेम ही आते हैं, नए क्वेश्चन फालतू के पढ़ने नहीं चाहिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या कंटिन्यू, और आया क्या किसी का? यशिका जनाब आंसर आया, विशाल सुमित सुमन विनोद सौम्या सोनिया एवरीवन उठो, सोनालिका शिवानी समृद्धि, सोनालिका का आ गया, वेरी वेल सोनालिका, नहीं आ रहा आरती, चल मैं कराता हूँ परेशान को, निदा गलत है बच्चा, रिजु प्राजक्ता ले लो और एक दो सेकंड कर लो आराम से करो, देखो मैं अप्रोच बता दूंगा वैसे ही ट्राई करना हर क्वेश्चन में। फायर धीरज थैलमिन नॉर्टन वगैरह पढ़ी है नहीं पढ़ी अभी? हेलो नहीं पढ़ी है, जेई वाले पढ़ लेना, नीट वालों के लिए तो उतना जरूरी नहीं है, जेई वालों के लिए है, थैलमिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम स्टार डेल्टा फॉर्मेशन। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है मेन जेई वाले, नीट वाले मत परेशान होना इतना, देखो पढ़ने के लिए पता है इतनी डेप्थ है ना इस चैप्टर में, बहुत डेप्थ है, तुम सर पढ़ते क्या जाओगे, पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, डेप्थ डेप्थ गहराई मनोज मस्त गहराई, बहुत क्वेश्चंस बहुत टाइप के बनते हैं भाई, बहुत ज्यादा टाइप के, मतलब कर तुम हर तरीके से लोगे उसको सॉल्व, बट जल्दी जल्दी करने के वेज, सो द वेज टू सॉल्व एनी क्वेश्चन क्विकली, यस सर दैट्स इट, कर दिए सुमन मैंने बच्चा अभी करी, आज ही सारी अपलोड कर दी है फिर से। सर आप एक बार सीरीज और पैरेलल पहचानने की ट्रिक बता दो। ट्रिक देखो सीरीज और ये बहुत बड़ा साहिबा तुमने क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था पता है, चलो पहले इसको करते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन किस किस को नहीं आया वो लोग प्लीज सिंसियरली देखना। देखो हमेशा क्या किया करो, हमेशा एक लूज एंड ढूंढा करो, ऑलवेज लुक फॉर अ लूज एंड, लूज एंड का मतलब वो होता है व्हेन यू आर anyone who wants it, I'll share you the link of the sheet, Google sheet, wait until. So, देखो, lose and ढूंढो means एक ऐसी चीज ढूंढो जिस चीज में तुम पूरे पूरे confident हो, circuit में सबसे पहले ऐसे दो resistance ढूंढो जिसके लिए तुम पूरे confident हो, for example, अगर तुम इस circuit को देखोगे तो इन दो को छोड़ दो, अगर तुम if you leave these two terminal points, then I can say कि तुम इसकी मैं copy बना लेता हूँ, otherwise मुझे फिर से बनाना पड़ेगा इतना बड़ा drawing. हाँ, इसकी अगर तुम एनालिसिस करोगे तो ये देखो ये दो रेजिस्टेंस बच्चा ऐसे दिखेंगे तुम्हें जिसके लिए तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें बाकी का नहीं पता, मैं पूछूं ये दोनों कैसे हैं तुम बोलोगे नहीं पता सर, मैं पूछूं ये दोनों कैसे हैं तुम बोलोगे नहीं पता, मैं पूछूं ये दोनों कैसे हैं यू कैन से सर आई डोंट नो, बट इफ आई लास्ट यू ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में है तो तुम अपने आप को इमेजिन करो
कि यहाँ पे करंट एंटर किया होगा, कुछ पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ होगा, इट डजंट मैटर वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, बट यहाँ वाला जो करंट है जो इसमें है वही करंट इसमें है. तो जब भी सेम आइडेंटिकल करंट, क्या जब भी सेम आइडेंटिकल करंट दो रेजिस्टेंस में फ्लो करता है, इसका मतलब क्या है कि वो सीरीज में है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम आइडेंटिकल करंट, तो जो इसमें है वही ये करंट इसमें है. सो ये दोनों किसमें हो गए बच्चा? सीरीज में. As soon as they are in series, you can say इनका नेट हो गया दो, हो गया दो. अब अगेन पूरे सर्किट को छोड़ दो, इनका जो रिजल्टेंट आया है और ये दो जो दो ओम है, अगेन ये दोनों तुम्हें डायरेक्ट किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में. पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं. तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? अगेन वन ओम, क्योंकि दोनों दो थे. वन बाय टू, वन बाय टू एड करोगे वन, तो अगेन वन ओम. अब ये नेट बचा वन ओम. अब फिर पूरे सर्किट से तुम्हें मतलब नहीं है, ये और ये तुम्हें पता है किसमें? दोनों सीरीज में. तो ये वन ओम, टू ओम, फिर अगेन टू और टू, पूरे सर्किट से मतलब नहीं है. ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में है, व्हाट इट मींस? अगेन वन ओम. अब फिर ये वन ओम और वन ओम सीरीज में है. एक मिनट इसको मिटने दो. तो ये जो इक्विवेलेंट आया वन ओम, ये और ये वन ओम, फिर से किसमें है? सीरीज में. इफ यू विल एड इट, व्हाट विल बी? अगेन टू ओम. फिर ये टू ओम और ये टू ओम फिर से पैरेलल में. कैसे पैरेलल में? यहाँ से जो भी आया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें. सो ये टू ओम, टू ओम पैरेलल में, इसको तुम सोल्व करोगे. As soon as you are done with the solving this, one ohm. अब ये one ohm और ये one ohm फिर से series में, है ना? This one ohm and this one ohm is again in series. तो ये again दो ohm. फिर ये दो ohm और दो ohm parallel में, तो तुम्हारा कितना आ गया? Net one. अब ये बताओ किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो मैं इसको solve करके बताऊंगा. ठीक है? Cool सबको, everyone. Yes. ठीक है. Let's do one more question. ये आरती ने नहीं, उसने साइबा ने पूछा था, अभी उससे related है ये. एक बनाता हूँ, simple सा, बहुत simple सा circuit बनाता हूँ मैं. This is 5 volt. This is 2 ohm. Five volt. This is 3 ohm. Chalo. My first question: whether the current will flow in this circuit or not? ये एक section of circuit मैंने तुम्हें दिया है. मैं बहुत precisely बोल रहा हूँ. मुझे नहीं पता ये आगे से open है या close है. I do not know whether these two terminals are open or closed. ये जो ये terminal और ये terminal आगे closed है, open है, I do not know. मेरे को बस एक ये सर्किट मिला हुआ है. एंड इफ आई लास्क यू कि क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा या नहीं, व्हाट्स योर ओपिनियन? सबसे बड़ी चीज पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल बताओ. सर तो ये देखो साइबा, the question you were asking can be answered now. सर हाँ सर, अगर मैं बोलूँ क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो होगा इसमें, सीरीज है. बिल्कुल सही है, सीरीज नहीं है बट पैरेलल है. इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों मेरे, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है. इसमें करंट फ्लो होगा, क्यों नहीं होगा? ये पोटेंशियल कितना है इस पे? जीरो. इस जंक्शन का पोटेंशियल जीरो है. क्यों जीरो है? बिकॉज इट इज अर्थ. अगर ये अर्थिंग नहीं होती तब हम कुछ नहीं कह सकते थे. तुम वायर को ऐसे तोड़ के हाथ में लेके खड़े हो तो तुम उसको नहीं बोल सकते इसका पोटेंशियल जीरो है. बट जैसे ही तुमने उसको अर्थिंग किया, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा पूर्ण का. ये बात मेरी बैठा लो दिमाग. तुम तार को ऐसे खोल के खड़े हो जाओ और बोलो कि इसका पोटेंशियल जीरो है, हवा में ऐसे ऐसे लहर रहा है, तो नो इट्स नॉट. बट एज सून एज यू विल जस्ट प्लग दैट वायर और यू पुट दैट वायर टू द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बिकम जीरो. तो ये पोटेंशियल जीरो है, ये पोटेंशियल फाइव है, ये पोटेंशियल फाइव है. Anyway, जो भी डिफरेंस हो, बट ये पोटेंशियल 5 है. मैं मान लेता हूँ स्ट्रिक्टली कि ये प्लेट का 0 है, ये प्लेट का 0 है, ऐसा मैं तुमको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ. तो ये पोटेंशियल 5 है, सो इट मींस द करंट नीड्स टू बी फ्लो. और अगर तुम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का ट्राई करो, तो दिखने से मतलब नहीं होता है, दिखने से कभी मतलब नहीं होता है. ध्यान से समझना, तुम अगर इसको सर्किट को देखो तो तुम एक 2 ओम रेजिस्टेंस बनाओगे. देखना विनोद, अभी तेरे को आंसर मिल जाएगा बच्चा. ये इफ यू विल ड्रॉ दिस 2 ओम रेजिस्टेंस एंड इफ यू विल ड्रॉ दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है.
इन दोनों ही रेजिस्टेंस को अगर तुम देखोगे, दो ओम का एक पोटेंशियल जीरो है या एक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, एक पोटेंशियल जीरो है, 3 ओम का भी एक पोटेंशियल जीरो है, एक पोटेंशियल 5 वोल्ट है. सो व्हाई यू गाइस आर सेइंग दीज आर इन सीरीज, क्यों बोल रहे थे सीरीज में, बोलो. सबको आया समझ में? हाँ सर. बढ़िया. सो दीज आर द थिंग्स हाउ यू विल जज. अभी इफ आई आस्क यू, इफ आई गिव यू द सेम थिंग एंड इफ आई आस्क यू दैट टेल मी द नेट सेक्शन ऑफ दिस, इतने सेक्शन में मुझे वो बताओ. धीरज बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, बट वो चीज अपन ने कब याद करी हुई है? क्लोज्ड पाथ के लिए तब याद करी. देखो वो चीज तब वैलिड है, उसमें करंट इसलिए फ्लो नहीं करता क्योंकि उसको पाथ नहीं मिलता है. यहाँ पे अर्थिंग का मतलब ये नहीं है कि करंट को पाथ नहीं मिल रहा है. बैटरी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स लेके अर्थ पे जाएंगे. तुम लोग ने पता है क्या है, गलत मिसकंसेप्शन से चीजें याद रखी हुई है. बिल्कुल उसका मतलब, हम हमेशा क्लोज सर्किट की बात इसलिए करते हैं कि हम सर्किट एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम सेक्शन सर्किट को बहुत कम देखते हैं. तो जब तक सर्किट एनालिसिस की बात चल रही है, तुम देखोगे मैं तुम्हें जितने भी क्वेश्चन दूंगा ना, मैं तुम्हें सर्किट के सेक्शन ही दूंगा, मैं कभी पूरा सर्किट नहीं दूंगा. पूरे सर्किट में बच्चे कर ले जाते हैं, केवीएल केसीएल सबको आता है लगाना. जो चीजें नहीं आती है वो इस टाइप के सर्किट्स में. तो तुमने उस चीज में वो चीज इसलिए याद करी हुई है बिकॉज ओपन सर्किट का मतलब तुमने ऐसा याद किया है कि उसके पास पाथ नहीं है फ्लो होने के लिए. हवा में नहीं फ्लो करेगा करंट, इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं फ्लो करेंगे. बट हियर द करंट, द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ पाथ, दे कैन लीव द बैटरी, दे कैन गो टू द अर्थ. अर्थ इज अ पाथ, वेल नोन पाथ है अर्थ उनका. अर्थ में जाएंगे वो, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है. सो दे आर इन पैरेलल. इफ आई आस्क यू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर? निकाला किसी ने? सर क्या बोला अभी आपने? है? मैंने ही बोला कि ओपन सर्किट जो तुमने याद रखा है ना कि करंट खाली क्लोज चीजों में फ्लो करता है, वो क्लोज चीज नहीं है. क्लोज चीज का मतलब ये है कि पाथ, जब तक करंट को इलेक्ट्रॉन को पाथ मिलेगा वो तब तक फ्लो करेगा. अब यहाँ पे ये ओपन क्लोज मत देखो, पाथ देखो. इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलेगा, हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और वो उसको अर्थ तक जाना है, वो अर्थ तक चला जाएगा. अर्थ इज अ पाथ. क्लियर है बात? है बहुत टाइम वेस्ट करा दिया मैं. चलो आगे बढ़े. इज दैट ओके विद यू ऑल? अभी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है देखो तुम्हारी तुम्हारे सिलेबस में. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. एक मिनट में यार. क्लियर है ना यहाँ तक चीजें? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? No, sir. चलो आप जंप करते हैं. देखो अभी इसको मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन में इसकी काफी चीजें बतानी है तुम्हें. रेजिस्टेंस की, सीरीज, पैरेलल की, काफी ज्यादा पढ़ना है इसमें. काफी केसेस बनते हैं, तुम्हें केसेस वाइज ना पढ़ा के मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताता रहूंगा सारे टाइप के जब भी वो कराऊंगा. तो अब अपन देख लेते हैं इसमें सेल को. सबसे पहले समझते हैं सेल, व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ सेल, क्या होता है सेल? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी है. ऐसा बोलोगे मारी की जानी. क्या होता है सेल? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. नो हाँ सर, हमने तो यही पढ़ा है. हाँ तो अभी दूसरा पढ़ो. सेल या बैटरी, व्हाट विल से सेल फॉर अ बैटरी. धीरज क्या कर रहा है भाई? डिवाइस प्रोवाइड चार्ज. नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. इसको तो मैं रेड से लिख रहा हूँ. जिन जिन बच्चों को यहाँ पे लगता है वो बच्चे याद रख लो ये चीज. सेल इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज. सेल इज नॉट एट ऑल अ सोर्स ऑफ चार्ज. इसको लिख के काट लेना. सेल कभी नहीं, नहीं काटो नहीं. सेल इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज. सेल कभी भी चार्ज नहीं प्रोवाइड कराता है. सेल हमेशा क्या चीज प्रोवाइड कराता है? एनर्जी. इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. It is a source of energy. ठीक है. सोलर सेल को छोड़ दो, हाइड्रोजन सेल को छोड़ दो, बाकी सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इन सेल का बेसिक काम क्या होता है? दे जस्ट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, आई एम पुटिंग द रिवर्स साइन. दे कैन डू इधर वे. दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू केमिकल. यस सर. यस सर नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ लगा. अभी तुमसे जो जो पूछूंगा आप सब बताना. इसमें किसी ने कैटेगरी बहुत पिटोगे, पिट भी नहीं सकते तुम लोग. पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री में? सेम थिंग इज गोइंग ऑन. तो इट्स अ यस सर.
अच्छा इसकी मैं एक ऑथेंटिक सी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, थ्रू आउट द सर्किट। अच्छा मैंने जो कुछ भी लिखा है इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो तुम लोग को पता नहीं हो या जिसकी तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो? यू नो वेरी वेल व्हाट द सर्किट इज, व्हाट द सोर्स इज, व्हाट द एनर्जी इज, व्हाट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट। तो सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू आउट द सर्किट। और बहुत जगह तुमने सुना होगा, बहुत वीडियोज में देखा होगा, एक्चुअली सेल का काम वही है। सेल क्या करेगा, सेल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेके लोड के पास जाएंगे, लोड उनसे एनर्जी ले लेगा और फिर सेल ही थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को, द इलेक्ट्रॉन्स विच डोंट हैव एनी एनर्जी, उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेगा। सो सेल इज डूइंग अ टू वे वर्क, इट्स नॉट डूइंग अ वन वे वर्क, इट्स डूइंग अ टू वे वर्क। पहला वर्क इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, धक्का मार के पुश करना। सेकेंड थिंग, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी दे चुके हैं, व्हेन दे आर लेफ्ट विद नथिंग, इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपने अंदर लेना। कूल है? सेल इज डूइंग अ टू वे वर्क, ये याद रखना। अब सेल्स की कुछ और डीप डेप्थ एनालिसिस करते हैं। सेल दिखता कैसा है बच्चों मेरे? सेल में क्या होता है? दो टर्मिनल्स होते हैं। बहुत बढ़िया, दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल का मतलब क्या है? वो टर्मिनल क्या बता रहे होते हैं? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा सेल बनता कैसे है? इलेक्ट्रोलाइट से और सबसे इम्पोर्टेंट डालते हो उसमें तुम, इन दो चीजों को क्या बोलते हो तुम? इलेक्ट्रोड्स। इफ आई प्रिसाइजली टॉक अगेन, दिस इज समथिंग जो मेरे को नहीं पढ़ानी चाहिए बट मैं अभी बता ही देता हूँ, मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए। इलेक्ट्रोड्स, सो इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के पढ़े होंगे तुम लोग ने, है ना? कैथोड और एनोड। कैथोड एंड एनोड, ठीक है। प्लस माइनस बताओ, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है? राइट लेफ्ट? सर पॉजिटिव वाला कैथोड और नेगेटिव वाला एनोड। ठीक है, नैंसी की बात से कौन कौन अग्री कर रहा है भाई? कह रही पॉजिटिव वाला कैथोड है, नेगेटिव वाला एनोड है। निविता, कोई ऐसा है जो डिसअग्री कर रहा है? एनीवन, कोई ऐसा जो डिसअग्री कर रहा है? नेगेटिव कैथोड, नेगेटिव। चलो कोई ऐसा जो दोनों ही चीजों से डिसएग्री कर रहा है? एनीवन हु इज डिसएग्रीइंग विद बोथ? दिव्यानी, व्हाट्स योर ओपिनियन? अलग-अलग सेल में अलग-अलग हो सकता है। अलग-अलग सेल में अलग-अलग हो सकता है। ओके, साईबा इज सेइंग वेरी डिफरेंट थिंग। साईबा, एनी ग्राउंड सर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में डिफरेंस? वेरी वेल अंकुश, याद रखो पहली चीज कैथोड और इलेक्ट्रोड, सॉरी एनोड और कैथोड कभी डिफाइन ही नहीं किए गए हैं उनके चार्ज के बेसिस पे। दे आर नॉट एट ऑल डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाउ दे हैव डिफाइंड, कैथोड कैसे डिफाइन किया गया है? अपनी बोलोगे सर, रिडक्शन, रिडक्शन के लिए। कैथोड की बेसिक डेफिनेशन ही रिडक्शन से आई है और एनोड की बेसिक डेफिनेशन ही कहां से आई है? ऑक्सीडेशन। अब बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द पर्पस यू आर यूजिंग इट। इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द चार्जिंग देन इट हैज वेरी डिफरेंट पर्पस, बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर डिस्चार्जिंग देन इट हैज अ डिफरेंट पर्पस। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो केसेस समझते हैं यार, डिटेल ये पता होना चाहिए यार, दो चीज अच्छे से देखो। एक केस ये है, एक केस ये है, ठीक है? दो केसेस ले लेता हूँ मैं। फर्स्ट केसेस, अच्छा दिस केस इज चार्जिंग, इस केसेस ऑफ चार्जिंग, इसका केस है ये चार्जिंग। अब चार्जिंग के केस में क्या हो रहा होगा सब ध्यान से देखना। चार्जिंग के केस में सबसे पहली चीज क्या है, अपन यहाँ पे एक लोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लोड लगाएंगे। सबसे बेसिक डिफरेंस यही होगा, सॉरी ये डिस्चार्जिंग का केस है यार, इसको डिस्चार्जिंग का केस कर लो। लोड लगा दिया है तो डिस्चार्जिंग, ठीक है? केस ऑफ डिस्चार्जिंग है, लोड लगा दिया। अब लोड यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? बोलो अनुज। नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा इधर जाएगा। एट द सेम टाइम इफ आई राइट अबाउट द करंट, तो करंट यहाँ से निकलेगा और उधर जाएगा। क्लियर है बात सबको? यस सर।
अब तुम बताओ मुझे यहाँ पे एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कम ऑन। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, विच रॉड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स? अरे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही डिफाइन है तुम्हारे कैथोड एनोड, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, एनोड, नेगेटिव। देखो एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, ये क्या है, कैथोड, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है बात सबको? अब सेम टाइम व्हेन यू आर चार्जिंग इट, अभी जैसे ही तुमने इसको चार्ज करना चालू किया, जैसे ही तुमने इसको चार्ज करना चालू, तो अभी चार्जिंग के केस में तुम क्या करोगे, यू विल एक्चुअली अप्लाई अ बैटरी टू इट। मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ, बैटरी या सेल। अब ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है, ठीक है, बैटरी थी या सेल था, जो भी था, मेरे मेरा जो सेल है उसको चार्ज कर रहा है। तो अब करंट का और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम रहेगा या बदल जाएगा, या सेम रहना चाहिए, लॉजिकली बताना, सोच के। बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना चाहिए, बिकॉज नाउ दिस एक्सटर्नल सोर्स इज फोर्सिंग योर बैटरी टू गेट चार्ज। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई का डायरेक्शन, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ई का डायरेक्शन, ठीक है। मैं दोनों इसलिए बना रहा हूँ जिससे तुमको दोनों बच्चे साथ साथ हो रहा है। अब बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, सर? पॉजिटिव वाले पे, पॉजिटिव वाले पे। तो अभी ये एनोड तुम्हारा क्या हो गया है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव। अब कैथोड क्या हो गया है, नेगेटिव, नेगेटिव। अब देखो इट माइट चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, बट इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कीप इन माइंड कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम बैटरी पे लग छाप के देते हैं, हम उसको स्विच नहीं कर सकते, दैट इज प्रिंटेड ऑन द बैटरी, यस और नो, दैट इज प्रिंटेड ऑन द बैटरी, वी कैन नॉट चेंज इट। सो एनोड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट टोटली डिपेंड्स वेदर द ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग और रिडक्शन इज हैपनिंग, एंड आई थिंक अब तुम्हें अच्छा सा आइडिया है, ठीक है। अब यहां से अपन मूव ऑन करेंगे ईएमएफ की तरफ, किसकी तरफ, ईएमएफ, ईएमएफ, ईएमएफ क्या टर्म है, किस क्यों डिफाइन किया गया, वो समझो। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भले देखो इसका नाम गरीब लोगों ने पहले दे दिया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट्स नॉट एट ऑल अ फोर्स, है ना। वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, वेरी वेलकम। है क्या बात, बात तो बताओ, इसकी कहानी क्या है? एक मिसनोमर, पोटेंशियल प्रेजेंट फोर्स कर रहा है जो होता है। आराम से, धैर्य से, लड़ो नहीं, बताओ। देखो द वर्क डन बाय अ सेल और अ बैटरी इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, हाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज चार्ज चार्ज, द वर्क डन बाय अ सेल और अ बैटरी मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट अ सर्किट। ये चीज अभी जो लिख रहा हूं ना, ये चीज का मतलब बताना मुझे सोच के, थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग इनसाइड बैटरी। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल, द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट एनी सेल और बैटरी कैन कैरी। वो खाली वो पोटेंशियल नहीं है जो वो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो करा रहा है, वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो और सर्किट में फ्लो कराने के बाद अपने अंदर भी फ्लो करा रहा है, ठीक है। अंदर भी जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वायर के हैं, जो एनोड के हैं, जो कैथोड के हैं, दे आर फिक्स्ड, जो जिसका है उसको एंड में वापस मिल जाना है। तो बैटरी जब तुम्हारा वर्क कर रही है, तो बैटरी वर्क खाली इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में नहीं कर रही है, तुम्हारा पर्पस जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में खत्म हो गया है, बट बैटरी का पर्पस क्या है, उसको यहाँ से वापस यहाँ लाके सर्किट को कंप्लीट रखना। कीपिंग दिस इन माइंड, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? सो
तुम्हारा पर्पस क्या था, खाली यहाँ पे लोड को पोटेंशियल प्रोवाइड करना, बट बैटरी का पर्पस वहां पे खत्म नहीं होता है। बैटरी का बड़ा एक्सपोजर है, उसको खाली यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराना है, उसको यहाँ पर भी कुछ वर्क करना है, यहाँ पे उसको अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे कुछ अमाउंट वेस्ट करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो फ्रिक्शन है, जो भी आयंस पोस्ट कर रहे हैं, जो भी एनोड पे उसको, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है तो एनोड को वापस इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा वो। सो ऑल इन ऑल जो भी होगा वहां पे उसको कुछ वर्क जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड, जो हमारा नीडेड में नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? Yes. इसी को जो एक्स्ट्रा, देखो मैंने इसलिए ईएमएफ की डेफिनेशन साफ साफ लिखा है कि वर्क डन बाय अ बैटरी मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग इनसाइड द बैटरी। उसको बैटरी के अंदर भी वर्क करना पड़ा, बैटरी अपने अंदर भी इलेक्ट्रॉन को घुमाने में वर्क कर रही है थोड़ा बहुत, बहुत नहीं कर रही है बट थोड़ा बहुत तो कर ही रही है। सो याद रखना है, इसको अपन डिनोट करते हैं बच्चों मेरे ई से या फिर एप्साइलन से, ठीक है? ऐसा डिनोट करते जी के इसको छोटे एप्साइलन नोट से भी लिखते हैं। अब ये जो होता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, इससे एक दूसरा वर्ड जनरेट होता है जिसको अपन कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है? देखो ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों लाया गया वो समझ। अब टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग को बैटरी बनानी थी, अंकुश ने बहुत बढ़िया तरीके से वर्क किया एज एन केमिस्ट और उसने 5 वोल्ट की बैटरी बनाकर मुझे दे दी। अब मुझे 5 वोल्ट की चाहिए थी बट व्हेन आई रियली अप्लाइड इट टू द लोड, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 वोल्ट का जो इसकी कैपेसिटी थी, जो भी इसके पास एनर्जी का पोटेंशियल था, ये उतना पोटेंशियल एज एन आउटपुट मुझे नहीं दे रही है। फिर जब मैंने इसका फिजिक्स समझा देन आई अंडरस्टूड कि ठीक है, ये 5 वोल्ट एक्चुअली में वो नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फ्लो कराने का पोटेंशियल है, इसको उतना ही वर्क या थोड़ा बहुत अमाउंट का वर्क क्या भी करना पड़ रहा है, कुछ तो अंदर वेस्ट करना पड़ रहा है अपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट में, वो मेरा कंसर्न नहीं है। आई बात समझ में? तो मुझे जो एज एन लोड पे नेट आउटपुट मिल रहा था वो नेट आउटपुट क्या था मेरा, कुछ तो वी था और वो इस 5 वोल्ट से क्या था, कम था। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? बोलो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अच्छा, एट द सेम टाइम ये बात हुई डिस्चार्जिंग की, चार्जिंग के केस में क्या होगा मैं बता देता हूँ, इसको फिर से क्वेश्चन से समझाऊंगा। आशुतोष देखो रिपीट करता हूँ, क्या था बच्चा, अपन ने केमिस्ट से बोला कि मुझे एक बैटरी चाहिए, उन्होंने बैटरी बना के दे दी। I asked them to make a 5 volt battery, they made the 5 volt battery. But उनके according वो जो potential measure करते हैं वो 2 electrodes के बीच में measure कर लेते हैं। So उनके according वो 5 volt है, बिल्कुल सही। But when I really applied a voltage, when I really applied a source or a load, तब मेरे load के across जो मुझे potential मिल रहा था वो इस 5 volt से कम आ रहा था। फिर जब मैंने इसकी physics समझी तो मुझे समझ में आया कि actually ये जो 5 volt है ये खाली वो work नहीं है जो electron इधर से इधर जाने में use हो रहा है, इसमें कुछ थोड़ा और भी वर्क है जो बैटरी अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कंज्यूम कर ले रही है, हीट अप हो जा रही है, आयंस के बीच अंदर कोलिजंस हो रहे हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग बट सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल इज गेटिंग वेस्ट, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मैं नहीं चाहता वो वेस्टेज हो, तो मुझे अगर यहाँ पे बैटरी 5 वोल्ट की यूज है, इफ आई रिक्वायर 5 वोल्ट, तो मुझे कुछ ना कुछ 5 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, इन अ वेरी सिमिलर वे बच्चों एक चीज और समझना, मुझे अगर सेम बैटरी को चार्ज करना है 5 वोल्ट से, इफ आई वांट दिस बैटरी टू गेट चार्ज बाय 5 वोल्ट, सो मुझे अभी 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा या 5 वोल्ट से कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, सोच के बताओ अपने हिसाब से। अभी जो मैं टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा करना पड़ेगा मुझे बिकॉज वेरी वेल, तो अभी जो मुझे टर्मिनल वोल्टेज देना पड़ेगा वो ज्यादा देना पड़ेगा, तो चार्जिंग के केस में जो वी होगा वो एक्चुअली इसके अपने पोटेंशियल से जो भी होगा उससे ज्यादा होगा। अभी इसको अपन क्वेश्चन से और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वोल्टेज का। तो टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज कॉन्सेप्ट से? तो टर्मिनल वोल्टेज सिंपल सी बात याद रखना कि इट इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लोड अप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है? इसको अपन डिनोट करेंगे वी से, ठीक है? अब अपने को फिजिक्स पढ़नी है, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, सो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑन एन एवरेज लेवल पे हम चीजें डिफाइन कर देंगे। तो अब हम इसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं मतलब अपने को पता चला एक वी, अपने को एक पता चला है ई, ठीक है? तो मैं डिस्चार्जिंग के लिए डिफाइन कर रहा हूँ बट तुम हमेशा क्वेश्चन अपने लॉजिक से सॉल्व करना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर डिस्चार्जिंग के लिए डिफाइन करूं तो मैंने यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया है जिसको मैंने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक
तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बस इतना रहेगा कि जैसे कोई भी तुम्हारे पास सर्किट है, इफ यू हैव एनी सर्किट, एक रैंडम सर्किट ले लेते हो, उसमें कोई बैटरी है और ये कुछ तो लोड लगा है, ठीक है। अब ये बैटरी अगर 5 वोल्ट की तुम मार्केट से खरीद के लाए हो, सो यू वेरी वेल नो कि ये यहाँ पे पोटेंशियल मुझे 5 वोल्ट नहीं देने वाली है। द पोटेंशियल दैट आई विल बी गेटिंग हियर, जो कि मैं ए और बी, इसको अपन डिनोट कर रहे हैं ई से, तो ये जो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल मिल रहा है ये एक्चुअली ई से कम है या नहीं है? तो बी ए बी जो भी होगा वो क्या होगा, दैट इज दैट विल बी लेस देन ई। तो इसके बीच में एक रिलेशन जनरेट करने के लिए हमने केमिस्ट से क्या बोला है कि तुम एक काम कर मेरे भाई, तू मेरे को एक बैटरी तो दे, बट बैटरी के साथ साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो मेजर करके बता के, सो दैट मैं फालतू बैटरी के फिजिक्स में ना घुसूं, मेरा जो काम है दैट आई विल बी एप्टली डूइंग। तो हम यहाँ से एक इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं और हम बोलते हैं कि बैटरी जब भी करंट फ्लो कराती है तो वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हमें यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दे देती है, जिसके कारण यहाँ पे मैं वी से कर रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल इसको मैथ्स के थ्रू अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान समझना, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, कि मतलब जो भी पोटेंशियल, इसको हमने बोला टर्मिनल वोल्टेज है ना, दिस इज द EMF और दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। So all in all, what this suggests कि मुझे जितना potential drop मिलना चाहिए था, actually में उतना नहीं मिल रहा है, E से थोड़ा कम मिल रहा है और वो क्या है, I into R times waste हो रहा है। Clear है सबको ये चीज़ें? अब while performing the questions, use your own logic. जैसे for example, अभी इधर अपना logic use करो, मत मान लो question मत पढ़ो तुम खुद सोच के बताओ सर्किट देख के मुझे, ये चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है? अनुज बता भाई जल्दी, फिर एंड करते हैं। आयुषी, भूमि, दिव्यानी, what's your opinion? Is it a case of charging or discharging? Wait, Dhiraj. Divyani, okay, Ashutosh, very well. Divyani, Bhumi. Yes, sir. Come on, is it a case of charging or discharging? Sir, I think discharging. Why? Not why discharging. You said so? How you guys are judging? Come on, I don't want an answer. Tell me, na, if it is discharging, how you guys are judging? Kaise judge kar raha? अब बोलोगे नहीं, मेरे को आंसर थोड़ी ना चाहिए भाई, तुम बताओ। ऑपोजिट फ्लो है तो चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, यू आर गिविंग द एनर्जी, द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट में करंट कब एंटर करता है, चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में? चार्जिंग में करता है, चार्जिंग में। सो ये स्ट्रिक्टली क्या हो रही है यहाँ पे, चार्जिंग। नहीं समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूँ, पहले बताओ, आए समझ में कि यहाँ पे चार्जिंग हो रही है? मिसबा, आशुतोष, क्लियर है? एक बार और बता दो। यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट कि ये देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट में क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर करता है तो ये चार्जिंग है, ठीक है, बात समझ में? सर आगे भी क्या, देखो मैंने अभी तुम्हें समझाया ना, डिस्चार्जिंग केस में करंट निकलेगा पॉजिटिव से, चार्जिंग केस में करंट एंटर करेगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में तुम करंट दे रहे हो मतलब बैटरी तो चाहती है कि करंट ऐसे फ्लो, बट तुम उसको अपोजिट फ्लो करा रहे हो, दैट मींस यू आर चार्जिंग दिस बैटरी। अब तुम खुद ध्यान से समझ के बोलना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट करना है तुम्हें इसको चार्ज करके, यू वॉन्ट टू चार्ज इट बाय दिस वोल्ट, तो तुम इस ए और बी के अक्रॉस 2 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे एक्सटर्नली या कम करोगे? ट्राई टू थिंक एंड देन टेल, इफ यू आर चार्जिंग इट तो तुम इससे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे या कम करोगे? दीक्षा बताओ, दीक्षा शांत है भाई, दीक्षा बिल्कुल ज्यादा, पूछो नहीं बताओ, तुम्हें पता है अब ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे है ना, लॉजिकली बोलो, तुम सबको पता है वी हैव टू अप्लाई मोर, अगर डिस्चार्ज होता तो हमें पता होता कि ये जितना मेंशन है जो छपा हुआ है बैटरी में उससे कम आता, क्लियर है सबको ये बात? हाउ मच मोर। तो यहाँ पे पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज का क्वेश्चन रीड करोगे एक बार, बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज बीइंग चार्ज्ड विद अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल हमें कितना अप्लाई करना पड़ रहा है,
तो यहाँ पे ये टर्मिनल है बैटरी के इंक्लूडिंग दिस, तो हमें ये 2 वोल्ट और प्लस 5 एम्पियर है तो 0.5 वोल्ट, इधर भी 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस, तो ये 0.5 वोल्ट का ड्रॉप और ये 2 वोल्ट का ड्रॉप, तो टोटल 2.5 वोल्ट का ड्रॉप, तो हमें टोटल 2.5 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इसको चार्ज करने में। क्यों करना पड़ेगा? अगेन बिकॉज 2 वोल्ट एनर्जी ही खाली यहाँ तक जाएगी, बाकी जो 0.5 वोल्ट है वो तो ये मेरा रेजिस्टेंस वेस्ट कर देगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट गाइस, थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना, ऐसा कुछ मैंने नया नहीं पढ़ाया, मैंने सिंपल क्लास ली है यार, सोचा तो बहुत कवर कराऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं हो पाया, शिट। सी यू देन सर, नोट्स भेज दो अभी अभी तुरंत भेजता हूँ। ओके सर।